हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कार के टायर्स में नाइट्रोजन की हवा भरवाएं या रेगुलर एयर? इंडिया में एक कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई है कि लोगों के मन में भ्रांति डालने लगे हैं कि अगर आप वो पेड चीज लेते हैं तो आपको और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लोगों के मन में भ्रांति डाल दी है कि नाइट्रोजन की हवा भरवाएंगे तो कार की माइलेज अच्छी होगी, कार का जो टायर है वो एक्सपैंड नहीं होगा बिकॉज बेटर हीट मैनेजमेंट, जो नाइट्रोजन है वो लाइट है कंपेयर टू रेगुलर एयर, तो कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है, कार की हैंडलिंग है, कार की मैनेवरेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी और इसीलिए 50-100 रुपये आप इन्वेस्ट करके गो फॉर नाइट्रोजन इन कार टायर्स। अच्छी चीज़ है, लोगों के मन में भ्रांति डाली है, लेकिन इस चीज़ को जान लीजिए भाई साहब, अगर इतने सारे बेनिफिट्स होते जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो कार के टायर्स में नाइट्रोजन एयर क्यों नहीं भरते हैं? लीव असाइड मारुति, ह्यूंडई, होंडा, टोयोटा, फोर्ड, लग्जरी कार्स के अंदर भी कार के जो टायर्स होते हैं उसमें रेगुलर एयर भरी जाती है। लोगों के मन में ऐसा डाल दिया जाता है कि नाइट्रोजन की जो हवा है वो बहुत ही बढ़िया कार की परफॉर्मेंस कर देगी, कार की माइलेज बढ़ा देगी। एनीवे जान लेते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके लिए ज़रूरी है। पहली बात तो रेगुलर एयर जो होती है, जो हवा होती है, उसमें ऑलरेडी 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। कंपेयर टू 100% नाइट्रोजन प्रेजेंट करें तो जान लीजिए, साइंटिफिक टर्म्स की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक वेट की बात करते हैं, एटॉमिक मास जो नाइट्रोजन का है वो है 14 यूनिट और ऑक्सीजन का है 16 यूनिट। अगर आप स्क्रीन पर डिफरेंस देख रहे होंगे, जो ओवरऑल डिफरेंस आपको मिलेगा इट इज ओनली 3%। लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांति डाल दी है कि भैया रेगुलर एयर काफ़ी भारी है कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए आप इस पेड चीज ले जाइए। आप जान लीजिए कि आप स्पोर्ट्स ट्रैक पे नहीं है कि आपको 180-190 की स्पीड पे चला रहे हैं और हल्का सा भी प्रेशर ड्रॉप जो कार का टायर होता है उसकी वजह से आपको फ़र्क पड़ जाएगा। आप जान लीजिए आप सिटी कंडीशन में कार चलाते हैं, हाईवे में कार चलाते हैं, 100 की स्पीड पे चलाते हैं, 120 की स्पीड पे चलाते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू मेक दैट काइंड ऑफ डिफरेंस विच अदरवाइज इज रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स कार। और किसी भी कार का ओनर मैनुअल चेक करेंगे उसमें पाएंगे कि मैन्युफैक्चरर ये मेंशन करता है कि टायर को करेक्ट लेवल तक इन्फ्लेट करें, उसका प्रेशर चेक करें रेगुलर बेसिस पे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उसके अंदर आप फिट करें नाइट्रोजन की हवा। तो मेरे हिसाब से इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी अगर अपने कार के टायर्स में आप नाइट्रोजन की हवा भरवाते हैं। रेगुलर एयर जो होती है इट होल्ड्स वेल टू डू इन ऑल सिटी कंडीशंस, हाईवे कंडीशंस। अगर आप स्पोर्ट्स कार चलाते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक पे तो बात अलग है, नहीं तो भाई साहब आपके लिए और मेरे लिए रेगुलर एयर ही ठीक है। बात 50-100 रुपए की नहीं है, बात भ्रांति की है कि दिमाग में कोई चीज डाल के यू गो फॉर द सेम। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल माय कार हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए, प्लस एक बेल नोटिफिकेशन का आइकन आ रहा होगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट टाइमली अपडेट्स ऑन द वीडियोस व्हिच आई एम पोस्टिंग फॉर यू। एंड इन द एंड डू नॉट मिस टू शेयर दिस वीडियो इन ऑल योर कम्युनिटी ताकि ये नाइट्रोजन का जो एक भ्रांति है वो लोगों के दिमाग से निकल जाए। थैंक यू।